लगाओ जेवन बचाओ पेड़ लगाओ जीवन बचाओ पेड़ लगाओ जीवन बचाओ उदमपुर ने थाना है हर घर में लगाना है उदमपुर ने थाना है हर घर में है। लगाना है उदमपुर ने थाना है हर घर में पेड़ लगाना है जी सर? पेड़ पेड़ लगाओ। लगाओ। जीवन जीवन बचाओ। बचाओ। देखिए जिस तरीके से अगर आप पिछले लगभग एक साल की बात करें तो धरती का तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है तो एक आने वाले सभी के लिए एक खतरे की घंटी है लगभग डेढ़ डिग्री सेल्सियस एक साल के अंदर बढ़ता है तो दस साल में पंद्रह डिग्री बढ़ेगा और पंद्रह डिग्री अगर आज एवरेज अगर पचास के लगाते हैं तो पंद्रह दस सालों में सिक्सटी फाइव तक पहुंचने की आशंका है तो उसमें जीवन कैसे संभव हो पा पाएगा तो ये हम सब इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं तो ये एक मुझे लगता है कि हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है हालांकि आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा उन्होंने भी बड़ा सोच समझ के कहा होगा जब उनको जो एक्सपर्ट लोगों के उनसे चर्चा की होगी कि आने वाले समय में खतरे की घंटी है पूरी देश और दुनिया के लिए जिस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जब तापमान बढ़ रहा है तो उन्होंने भी कहा कि एक पेड़ जो है आ, अपनी माँ के नाम हर व्यक्ति लगाएगा अगर उसकी माँ जीवित है तो माँ के माँ के साथ खड़ा होकर लगाए अगर माँ दुनिया में नहीं है तो माँ के नाम का एक पेड़ लगाएगा तो उसी को इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी एन है एन के सारे सदस्य हैं डुकरा कर दल इन्होंने आज ये प्लान किया है कि हम उधमपुर टाउन से शुरू करेंगे और हर घर के बाहर क्योंकि जैसे हम लगाते हैं कहीं ओपन जगह में लगाते हैं फिर उससे रख रखाव नहीं होता है पानी नहीं देने वाला नहीं होता उसको जानवरों से बचाने वाला कोई नहीं होता पेड़ लगाते लगाते तो हम बहुत हैं लेकिन उसका वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इसलिए हमने शुरुआत की है कि लगभग दस पेड़ जो है ये हम उधमपुर टाउन के हर घर में हम एक पेड़ लगाएँगे हमारी एन लगाएगी और ये आज से हमने इस का शुभारम्भ किया है वार्ड नंबर तीन आदर्श कॉलोनी से समलीक जी के वार्ड से तो यहाँ का यहाँ के युवा हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं तो ये सारे मिलके इसका शुरुआत की है और जहाँ भी जो हमारा मैसेज जो सुन रहे होंगे उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि बाकी चीज़ों के साथ साथ जो हमारी रोज़मर की ज़िंदगी की चीज़ें हैं पानी है बिजली है स्कूल है सड़क है डिस्पेंसरी है डेवलपमेंट है जॉब है वो सारी चीज़ें उसके लिए जरूरी है उसके लिए हमें स्ट्रगल करनी है लेकिन धरती को बचाना भी हम सबकी ज़िम्मेदारी है और एक किसी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है तो अगर हम यहाँ दस हज़ार पेड़ लगाते हैं तो एक चेंज हम ला सकते हैं उधमपुर के अंदर तो आज से इसकी शुरुआत हुई है तो आज से हम हर घर में जाएंगे और एक पेड़ जो घर जिस जिस घर में अगर ज़मीन है नीचे कच्चा है तो वहाँ पेड़ बड़ा पेड़ लगाएंगे और जहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्टेड है पक्का है तो वहाँ पे हम वो पेड़ लगाएंगे कि जिससे जिसको गमले में रखा जा सके तो ये उधमपुर से होगा फिर ये टाउन में पंचायतों में होगा पंचायत लेवल पर तो हम कोशिश करेंगे कि मास लेवल पर बड़े पैमाने पर जो प्लानेशन ड्राइव है लेकिन वो ड्राइव हो जो प्लांट लगे और वो सर्वाइव करे वो प्लांट जिंदा रहे वो ड्राइव हम चलाएँगे वो सिर्फ़ मीडिया में आए और उसमें देखा हमने कि एक एरिया का किया वहाँ पे लगाया और दो महीने बाद गए तो ना तो वहाँ पेड़ है और ना वहाँ पे कुछ दिखता है तो ऐसा नहीं करेंगे इसलिए घर में घर से शुरुआत की है कि जिस घर में लगाएंगे वो घर उसको उसकी रखवाली करेगा और वो पेड़ सर्वाइव करेगा तो ये हमारे हमने एक शुरुआत की है तो मैं सारे उधमपुर वासियों को कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम में हम सारे शामिल होके अपने पर्यावर पर्यावरण को बचाने की हम कोशिश करें थैंक यू वेरी मच एडवकेट सुहानी कटोज हमारे पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चल रहा है जैसे कि बताते हुए खुशी हो रही है कि ये एक अभियान के रूप में नहीं एक आंदोलन के रूप में पूरे वर्ष में मनाया जा रहा है उसी उपलक्ष में हमारे आज माननीय एम जो बलवंत जी थे उनकी अगुवाई में आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में हमें पेड़ लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनका मार्गदर्शन मिला कि अगर जीवन है संभव है इस धरा पे तो हमारे इन वृक्षों के कारण इन पेड़ पौधों के कारण तो इनका संरक्षण जरूरी है अगर आने वाली पीढ़ी को आने वाले जीवन को जीवित रखना है तो हमारे पेड़ पौधों को जीवित रखना ज़रूरी है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने युवाओं को अपने प्रदेशवासियों को से आह्वान करना चाहती हूँ कि जब तक ये अभियान है इस अभियान से जुड़ें और अपनी धरा को बचाएँ जय हिंद जय भारत